एलिमिनेशन टास्क में जिस तरीके से ईशा बायस रही है उसको लेकर ना सिर्फ बिग बॉस ने ईशा के डिसीजन पर सवाल उठाए बल्कि अब समर्थ और अभिषेक को भी एक साथ कन्फेशन रूम में बुलाया है। आखिरकार इन दोनों को कन्फेशन रूम में बुलाकर ऐसा कौन सा वीडियो दिखाया है कि इन दोनों के होश उड़ गए हैं? क्या हुआ है ऐसा, हम आपको बताएंगे टीवी धमाका पर। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जानते ही हैं कि ईशा ने जिस तरीके से डिसीजन लिया वो बहुत गलत था। ईशा ये बात साफ साफ जानती थी कि यहाँ पर किसी और को नहीं बल्कि अभिषेक ने ही सबसे पहले जो है उठाया है, और ऐसे में उसने सिर्फ और सिर्फ समर्थ को बचाने के लिए पूरे डिसीजन को पलट कर रख दिया, और ये बात मेकर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आई। मेकर्स ने साफ साफ जो है ये वीडियो अब समर्थ और अभिषेक को कन्फेशन रूम में बुलाकर दिखाया है और उनसे पूछा है कि आप लोग ये वीडियो देखकर तय करें कि ईशा ने डिसीजन सही लिया था या गलत। हालांकि समर्थ इस बात को लेकर अड़ा हुआ था कि उसी ने सबसे पहले फ़ोन उठाया, लेकिन अभिषेक का कहना था कि उसने उठाया। पर हम आपको बता दें कि अब यहाँ पर जो वीडियो दिखाया है उसमें साफ साफ बिग बॉस ने कहा कि आप दोनों अपनी तरफ से क्लेम ना करें, जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उस वीडियो को देखकर बताइए कि किसने सबसे पहले फ़ोन उठाया था। तो यहाँ इस वीडियो को देखकर समर्थ को भी इस बात को मानना पड़ा कि सबसे पहले जो है अगर किसी ने फ़ोन उठाया था तो वो कोई और नहीं बल्कि अभिषेक था। तो एक बात तो तय है कि अब बिग बॉस ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है।